welcome you in the revision video lecture. Friends, हम पिछले कई लेक्चर से हर एक चैप्टर का रिवीजन करते हैं. टुडे वी आर रिविजिट द चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स. फ्रेंड्स, यू वर ऑलरेडी स्टडीड इन स्टैंडर्ड 9 अबाउट ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा. यू वर ऑल्सो लर्न द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा लाइक अ बार चार्ट, हिस्टोग्राम एंड एक्सेट्रा. टुडे वी विल एक्सटेंड अवर मेजरमेंट फॉर मीन, मीडियन एंड मोड. लेट अस रिवाइज क्विकली द फॉर्मूला ऑफ मीन एंड मोड. फर्स्ट ऑफ ऑल मीन हम तीन फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल है द मेथड इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई. दूसरी जो मेथड है वो है द अज्यूम मीन मेथड. अज्यूम मीन मेथड में की फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई, वे ए जो है वो हमारा अज्यूम मीन है जिसको आप अज्यूम करोगे, और डी आई जो है वो है हम कैसे फाइंड करेंगे एक्स आई माइनस ए. आई मीन दैट मीन्स ये डी आई है वो हर एक ऑब्जर्वेशन का, हर एक फ्रीक्वेंसी का आप फाइंड करोगे. थर्ड जो मेथड है वो है स्टेप डेविएशन मेथड. ये जो मेथड है वो ग्रुप डेटा के लिए, ये जो हम मीन फाइंड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव लर्न इन स्टैंडर्ड 9 फॉर अनग्रुप डेटा टू हाउ टू कैलकुलेट द मीन. इन दिस चैप्टर वी आर जस्ट फोकस ऑन द ग्रुप डेटा. सो इन थर्ड जो है स्टेप डेविएशन मेथड वो उसकी फॉर्मूला एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई इन टू एच, वेर ए हमको पता है क्या होगा अज्यूमिंग, एच होगा वो है क्लास लेंथ. दैट मीन्स कि आपको ये पता चल गया अगर जिसमें एच आएगा उसका वो जो है उसको क्लास इंटरवल में आपका जो फ्रीक्वेंसी है क्लास दिए गए होंगे तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे. यू आई का मीनिंग होता है एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच एंड समेशन एफ आई इक्वल टू एच इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी. सो ये हुआ तीन टाइप के, तीन तरह से आप मीन फाइंड कर सकते हो. आपको जो एग्जाम्पल में एग्जाम्पल दिया गया होगा वो क्लास दिए गए, अगर क्लास दिए गए हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी आप कर सकते हो. तो ये थी मीन की बात. अब आएंगे मोड पे. मोड है अगर अनग्रुप डेटा की बात करें तो ऑब्जर्वेशंस विच अकर्स मोस्ट ऑफन, दैट मीन्स इफ ऑब्जर्वेशंस रिपीटेड मोर देन वन टाइम्स देन दिस इज द इट इज द मोड ऑफ द गिवन डेटा. या तो जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है और वो रिपीट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो डिजिट है वो रिपीट हो रहे हैं, पर जिसमें बड़ा जो डिजिट होगा वो आपका मोड होगा. बट ये रही थी अनग्रुप डेटा की बात. अगर ग्रुप डेटा की बात करें तो इसकी फॉर्मूला ये है z इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइड बाई टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इन टू एच. एल क्या होगा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. अब ये मॉडल क्लास क्या होता है, मॉडल क्लास मीन्स कि जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको ज्यादा दी गई हो वो क्लास आपका मॉडल क्लास कहलाएगा. एच जो हमने पहले भी पता है क्लास इंटरवल. एफ वन मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. मॉडल क्लास की आपको क्या लेनी है फ्रीक्वेंसी. एफ जीरो दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास. दैट मीन्स के मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको लेनी होगी. एंड एफ टू इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास. दैट मीन्स ये मॉडल क्लास की नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको कंडक्ट करनी होगी. तो ये था मीन एंड मॉडल का कंसेप्ट. दैट मीन्स आपकी जो फॉर्मूला यूज होने वाली है वो मीडियन हम जब एग्जाम्पल लेंगे तब उसके पहले ही उसका मैं फॉर्मूला और सब कुछ समझाऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ मीन. मीन कैसे फाइंड करेंगे वो एग्जाम्पल लेंगे, देन मोड कैसे फाइंड करेंगे वो एग्जाम्पल लेंगे, एंड लास्ट में हम मीडियम कैसे फाइंड करेंगे उसके एग्जाम्पल लेने वाले. सो लेट अस सी द एग्जाम्पल्स ऑफ मीन, हाउ टू कैलकुलेट द मीन ऑफ ग्रुप डेटा. सो लेट अस सी द एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल नंबर वन से फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा. यहाँ पे मुझे क्लास दिया गया और फ्रीक्वेंसी दी गई है. क्लास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, up to 60 to 70. आपको ये
मालूम होना चाहिए कि ये जो डेटा है वो कंटिन्यूअस डेटा है। कैसे? 0 से 10 से खत्म होता है तो यहाँ पे 10 से ही स्टार्ट होना चाहिए। दैट मीन्स कि आपका जो डेटा है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए। अनदर आपको दी गई fi, fi मीन्स फ्रीक्वेंसी, f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 ऐसे आप फाइंड करते। दैट मीन्स fi 483 2348। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एन की जरूरत पड़ेगी। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी समेशन एफ आई कैलकुलेट करना होगा, वो होगा आपका 50। इसका सम करोगे तो आपको मिलेगा 50। अब आपको एक्स आई ढूंढना है, क्योंकि आपको फर्स्ट जो फॉर्मूला, हम तीनों मेथड से एग्जांपल करने वाले हैं। सो फर्स्ट जो फॉर्मूला उसमें है एफ आई एक्स आई, एफ आई यू आई, एफ आई डी आई, ये जो आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स आई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास है उसकी आपको मिड वैल्यू लेनी पड़ेगी। मिड वैल्यू दैट मीन्स अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। सो अपर लिमिट 10 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 दैट इज 5, 15, 25, 35, 45, 55 एंड 65। ये हुआ हमारा एक्स आई। डी आई का हमको पता है, डी आई का मीनिंग क्या होगा, एक्स आई माइनस ए। अब मुझे ए है वो अज्यूम करना है, एक ए जो मुझे है इसमें से अज्यूम करना है। सो इसमें से मैं इसको ए बोल देता हूं, 35, कोई भी आप ले सकते हो ए। सो ए को आप अज्यूम करोगे 35 इक्वल टू मैं ए लेता हूं, तब क्या करेंगे। अब डी आई क्या बोल रहा है, एक्स आई माइनस ए, दैट मीन्स 5 माइनस 35 क्या मिलेगा आपको, माइनस 30, माइनस 30, देन 15 में से 35 गया, माइनस 20, यहां पे माइनस 10, 0, 10, 20 एंड ये हुआ हमारा डी आई। अब क्या फाइंड करेंगे, यू आई। ये मैंने क्यों फाइंड किया है, क्योंकि मैं तीनों मेथड से जाने वाला हूं इसमें, इसलिए इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है, इसकी भी पड़ेगी और इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अगर आप एक ही मेथड पे जाना चाहते हो तो आपको जिन जिन कॉलम की जरूरत पड़ेगी वो आप ले सकते हो। ऐसा नहीं कि सभी में ये पूरा जो है वो आपको कॉलम की मेथड लेनी है। यू आई, यू आई का मतलब क्या है, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच। दैट मीन्स एक्स आई माइनस ए तो हमारे पास है, डिवाइड बाई एच, एच मीन्स के इसकी क्लास इंटरवल, इसमें से ये रिमूव कर दो तो आएगा वो उसकी क्लास इंटरवल हुई, दैट मीन्स 10 माइनस 0 दैट इज 10, तो ये क्या आएगा, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2 एंड 3। अब फ्रेंड्स हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला था एक्स बार का वो क्या था, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एन। सो फर्स्ट मुझे क्या जरूर पड़ेगा, एफ आई एक्स आई, तो फर्स्ट मैं फाइंड करूंगा एफ आई एक्स आई। सो एफ आई एक्स आई दैट मीन्स ये दो, ये मुझे फाइंड करना है। सो 4 × 5 20, 120, 25 × 3 75, 35 × 20 700, 45 × 3 135, 220, 520। अब समेशन, दैट मीन्स आपको सम करना है, समेशन एफ आई एक्स आई इक्वल टू 0, 5, 5 प्लस 5 0, 2 प्लस 1 3, 5, 12, 15, 17, 19, 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 1, 7, 9, 0। सो ये हमारा सम हुआ। पीछे चेक कर दें, 5, 5, 10, 0, 1, 3, 5, 7, 7, 7, 14, 7, 19,
So put the value 1790 divided by 50. आंसर आएगा 38.5. इस तरह से आप फर्स्ट मेथड करेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड. अगर आपको सेकंड मेथड से करना है, दैट मींस अज्यूम मीन मेथड. सो इसकी फॉर्मूला क्या है? x बार इक्वल टू a प्लस समेशन f i d i डिवाइड बाय समेशन f i, या तो आप n लिख सकते हो. ए तो हमने पहले ऑलरेडी ले लिया है, क्या है 35. एफ आई डी आई, दैट मीन्स एफ आई डी आई की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है. सो एफ आई डी आई इक्वल टू क्या करेंगे, एफ आई डी आई में क्या करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे. दैट मीन्स 30 माइनस 30 इंटू 4 माइनस 120 देन माइनस 160 माइनस 30 जीरो 30 80 and 2 4. इसका सम मैं डायरेक्ट यहां पे लिखता हूं. सम क्या आएगा 40. सो एक हमारे पास है ऑलरेडी 35 प्लस एफ आई डी आई, दैट मीन्स 40 डिवाइड बाय 50. 35 प्लस 4 बाय 5 वैल्यू हमको सेम ही मिलने वाली है 38.5. सो ये हमारी दूसरी मेथड. लेट अस सी अनदर मेथड ऑफ हाउ टू फाइंड मीन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड. स्टेप डेविएशन मेथड के लिए मेरे पास फॉर्मूला है a प्लस समेशन एफ आई वाई अपन समेशन एफ आई इंटू एफ. That means we need to find summation fi ui. ui हमारे पास ऑलरेडी है और ये हमारा fi है. So ये इस तरह से आप एक जीरो निकाल देंगे di में से 24. So ये मेरा fi ui summation fi ui हुआ. So इसका जो सम होगा वो होगा 4. So अब put substitute the value of summation fi ui. ऑलरेडी ए इज गिवन, हमने ऑलरेडी ले लिया है 35 प्लस 4 अपन 50 इंटू एच. क्या है क्लास इंटरवल जो है हमारी, वो लेंथ क्लास की लेंथ है वो 10 है. अगेन 0 0 कैंसल आउट, 35 प्लस 4 बाय 5 आंसर आएगा 35.8. सभी में आंसर सेम ही आएगा, वो मेरी मिस्टेक थी कैलकुलेशन में. यहाँ पे 35.8 35.8 35. इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी मेथड से मीन फाइंड करोगे, या तो स्टेप डेविएशन मेथड लोगे, या तो एज्यूम मीन मेथड लोगे, या तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई करोगे, आंसर आपका सेम ही आने वाला है, नहीं कि आपका आंसर अलग अलग. दैट मींस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका आंसर सेम ही होना चाहिए. तो ये इस तरह से आप कोई भी डेटा दे दिया गया हो तो आप मीन फाइंड कर सकते हो. Let us see another example. Mean of following frequency distribution of 125 observations. That means के आपको number of observations दे दिए गए हैं. कितने हैं? 125 observations. Is 22.12. ये हमको क्या दे दिया गया है? Mean भी दे दिया गया है. So we have to find missing frequency. अब यहाँ पे देखें, 15 to 19 में missing है और 30 to 34 में missing है. तो उसको मैं यहाँ पे F1 बोलता हूँ और ये मेरा F2 हो गया. सो ये मेरी मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो गई. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो है यहाँ पे मीन है दिया गया है. सो आपको मीन के फॉर्मूला लेकर एग्जांपल को करना है. तीनों में से कोई भी आप एक फॉर्मूला ले सकते हो, पर मैं यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड से जाऊंगा. स्टेप डेविएशन मेथड से ही आप जा सकते हो, ये आपको बहुत ईजी रहेगा. स्टेप डेविएशन मेथड की जो फॉर्मूला है वो हमको पता है, क्या है, a प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई इंटू एच. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक्स आई की जरूरत पड़ने वाली है. एक्स आई की जरूरत मीन्स के ये क्लास है उसकी मिड वैल्यू. सो ये होगा 2, देन 9 प्लस 5 14, ये होगा 7, देन 12
17, 22, 27, 32, 37 and 42. अगर मैं इसका समेशन करता हूं, समेशन एफ आई, तो क्या मिलेगा? 84, 84 में 8 plus 3 11, 11 plus 12 30, 33 plus 35 68, 69, 79, 89, 87 प्लस एफ वन प्लस एक्स आई मुझे मिल गया, मुझे चाहिए एफ आई यू आई, सो आई नीड टू फाइंड यू आई. यू आई का मीनिंग क्या होता है? एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाय एच, ये हमारा यू आई होता है. सो यू आई कैसे करेंगे? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से कोई एक को अज्यूम करूंगा मीन को, दैट मीन्स ए इक्वल टू मैं 17 ले लेता हूं. सो हमारा जो यू आई है वो क्या आएगा? 17, 2 माइनस 17 15, माइनस 15 डिवाइड बाय 5, यहां पे 5 होगा. जो हमारा क्लास लेंथ की क्लास इंटरवल है वो क्या होगा? 0 1 2 3 4, 5 होगा. 5 6 7 8 9, 5 to 9 में से 5. ओके, सो ये आएगा हमारा यहाँ पे एक्स आई माइनस ए 2 माइनस 17 दैट इज माइनस 15 डिवाइड बाय एच दैट इज 5 दैट इज माइनस 3. यहां पे आएगा माइनस 2, यहां पे माइनस 1 0. अब 22 में से 17 दैट इज 5 डिवाइड बाय 1 2 3 4 एंड, सो ये हमारा है यू आई. अब हम फाइंड करेंगे एफ आई यू आई, दैट मीन्स ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन. माइनस 9 माइनस 16 माइनस 12 एफ वन इंटू 0 दैट मीन्स 0, 35, 42, 3 into F2, 3F2, 24 and 10. इसका मुझे क्या चाहिए? सम चाहिए. So, the sum of FIUI is 74 plus 3F2. अब हम एग्जाम्पल की ओर जाएंगे. एग्जाम्पल में ऐसा है, मुझे टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी गई है? 125. सो टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे वाले टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी में मुझे समेशन एफ आई कितना दिया गया है? 125. सो आई कैन राइट 125 इक्वल टू 87 प्लस एफ वन प्लस एफ टू. देयरफॉर एफ वन प्लस एफ टू क्या है? 38. ओके, ये मेरा F1 प्लस F2. अब आते हैं हमारी फॉर्मूला पे. देन नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है? फॉर्मूला पे आना है. X बार इक्वल टू क्या है हमारी फॉर्मूला? A प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई इंटू H. सो A हमने ऑलरेडी X बार हमको दे दिया गया है, क्या है? 22.12. So 22.12 इक्वल टू ए, अज्यूमिंग क्या है? 70 प्लस समेशन एफ आई यू आई, ये रहा 74 प्लस 3F2, टोटल हमको दे दिया गया है 125 इंटू 5, 70 प्लस 5 25 74 plus 3F2 divided by 25. So अब क्या करेंगे?
एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 70 × 25 + 74 + 3f2, यहाँ पे आएगा 25 × 22.12। सो अब इसका एक्सपांशन करेंगे, 25 × 22.12 आएगा 553, 17 × 25 आएगा 425, 74 as it is 3f2, so 425 plus 74 499 plus 3f2, so we can write 3f2 equal to 553 minus 499 equal to 54, 3f2, so f2 equal to 18, but here f2 की वैल्यू मिल गई, now F1 की वैल्यू कैसे मिलेगी, सो F1 प्लस F2 इक्वल टू 38, सो F1 इक्वल टू 38 माइनस 18 इक्वल टू 20, सो F1 इक्वल टू 20 एंड F2 इक्वल टू 18। इस तरह आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी के एग्जांपल फाइंड कर सकते हो। आपको ये करना बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके हिसाब से आपको नीचे आंसर जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी दूसरी है वो मिलेगी। तो अगर यहाँ पे मीन दिया गया है तभी आपको, मैंने यहाँ पे मीन की फॉर्मूला अप्लाई की, अगर आपको मीडियन दिया गया होता तो आपको यहाँ पे मीडियन की फॉर्मूला सेम मेथड सेम है, पर फॉर्मूला कौन सी अप्लाई करनी है, मीडियन की फॉर्मूला अप्लाई करनी है। तो ये जो हमने दो एग्जाम्पल देखे वो मीन के एग्जाम्पल, मीन रिलेटेड जो एग्जाम्पल थे। अब हम जाएंगे मोड की तरफ, लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ मोड। एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, हियर वी हैव टू गिवन द क्लास ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द फ्रीक्वेंसी। नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ मोड z इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू h, और ये जैसे मैंने पहले बताया था व्हाट इज द L, F1, F0, F2 and H. So first of all, we need to find the modal class. Modal class कैसे find करेंगे? So आपको यहाँ पे frequency में देखना है, और जो largest frequency है वो हमारा modal class हो जाएगा। यहाँ पे 23 largest frequency है, so this is our modal class. Now L means lower limit of modal class. ये हमारा class, modal class की ये lower limit है और ये अपर लिमिट है। तो हमारा एल क्या होगा, यहां पे मैं लिखता हूं 30। F1 फ्रीक्वेंसी, ये हमारी जो है F1 होगा 23। F0 क्या होगा, प्रीसीडिंग, दैट मींस के जो फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर वाली, सो ये हमारा F0 दैट मींस ये 21। एंड F2 सक्सीडिंग, So, इसके नीचे वाली ये हमारा होगा F2, सो ये आएगी 40। एंड क्लास इंटरवल, मॉडल क्लास की क्लास इंटरवल क्या है 10। सो अब ये सारी वैल्यू जो है वो हम फॉर्मूला में रखेंगे, दैट मींस z इक्वल टू l की वैल्यू क्या है 35 प्लस f1 माइनस f0 दैट मींस 23 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 2F1, that means 2 × 23 minus F0 है 21 minus 40 into H means 10. So 35 plus 23 minus 21 मिलेगा 2 divided by 46 minus 21 minus 40 into 10. 35 plus 2 divided by 46 minus 21 होगा 25 minus 14 रिमूव कर दो, बचेंगे 11 into, that means 35 plus 20 by 11. So approximately जो हमारा आंसर होगा वो होगा 35 into 2 point something, 35 plus 20 that means 35 into 11
प्लस 20 डी होल डिवाइड बाय ये, जो आंसर आएगा वो होगा 36.8 अप्रोक्स। सो इस तरह से आप मोल फाइंड करने का एग्जांपल कर सकते हो। यू हैव टू टेक केयर ऑफ टेकन एज F1, F0 एंड F2। यू हैव टू आल्सो टेक केयर अबाउट द सिलेक्टिंग अ मोडल क्लास। मोडल क्लास इज नथिंग बट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो क्लास आपका मोडल क्लास है। यहाँ पे मैंने जो रेक्टेंगल बनाया है वो, और ये जो L, F1, F0, F2 एंड H, वो आप जब वैल्यू रखोगे तो आपको इजीली हमारा मोड Z जो है वो मिल जाएगा। सो ये रहा हमारा मोड का एग्जांपल। लेट अस सी द मीडियन। एग्जांपल देखने से पहले उसकी फॉर्मूला समझ लेते हैं। N इक्वल टू L प्लस N बाय 2 माइनस CF अपन F इनटू H, वेयर L इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, CF equal to cumulative frequency of class preceding the median class, F equal to frequency of median class, N equal to total frequency, H equal to class of interval. Median class कैसे find करेंगे? So first of all हम N by 2 find करेंगे, और N by 2 की जो value आती है वो हम cumulative frequency में देखेंगे। So first ये example करेंगे तब पता चलेगा हमारे पास। Let us see the example. Example number 4 tells that find the median of following data. Here we have given that the class and frequency, class 40 to 45, 45 to 50, up to 70 to 75, and frequency 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2. So n जो मिलेगा वो हमारा क्या है 30। अब मुझे cumulative frequency find करनी है CF. So first 2 as it is रखूंगा, then ऐसे आपको sum करना है 2 plus 3 that means 5, 5 plus 8 13, 13 plus 66, 19, 19 plus 6, 25, 25 plus 3, 28, 28 plus 2, 30। अब ये और ये सेम आना चाहिए तभी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही है। लास्ट टर्म्स एंड एन जब सेम होंगे तभी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो कॉलम है वो सही बने। अब मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करना है मीडियन क्लास। मीडियम क्लास कैसे सिलेक्ट करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल n बाय 2 फाइंड करो। n बाय 2 इक्वल टू क्या आएगा, 30 बाय 2 इक्वल टू 15। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए यहां पे 15 इसमें आएगा 19 में। सो हमारा ये जो क्लास है 55 वाला वो हमारा मीडियम क्लास हुआ, क्योंकि 15 जो है फिर से आपको जो देखना है वो 15 है वो 19 में आता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, फ्रीक्वेंसी में देखोगे तो कई बार ऐसा होगा कि वो तो आपको दिखेगा ही नहीं। सो टेक केयर अबाउट दिस। यू हैव टू आइडेंटिफाई द मीडियन क्लास बाय यूजिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। सो 19 में 15 ऑलरेडी आ जाता है। सो हमारा जो मीडियन क्लास हुआ वो क्या हुआ, 55 to 60। सो हमारा जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास मेरा हुआ 55 to 60। अब यहाँ पे L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास हमारा यह उसकी लोअर लिमिट क्या है 55, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 54। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन, दैट मींस के जो मीडियन क्लास के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी। सो हमारा CF जो आएगा वो क्या आएगा 30। फ्रीक्वेंसी ऑफ F मींस फ्रीक्वेंसी, ये हमारा CF हुआ, ये हमारा F हुआ, क्या आएगा 6। एंड टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 30, एंड क्लास इंटरवल कितनी है 5। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू रखता हूं। L हमारा जो है वो है 55 प्लस n बाय 2 दैट मींस 15 माइनस CF हमारा क्या है 13 डिवाइड बाई F, F की वैल्यू है हमारे पास 6 इंटू 5। सो 55 प्लस 2 बाई 6 इंटू 5, 55 प्लस 5 बाई 3, सो 55 प्लस 1.6
6 approximately. So 56.6 approximately हमारा मिले. इस तरह से आप मीडियम फाइंड कर सकते हो. आपको फिर से याद दिला दूं, आपका जो मीडियम क्लास है वो क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो हमारा n by 2 कहां पे आता है वो देखना है, वही हमारा मीडियम क्लास होगा. सो ये आपको बहुत ध्यान रखना. मॉडल क्लास में डिफरेंट है, मॉडल क्लास क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वो हमारा मॉडल क्लास था. पर मीडियम क्लास क्या होगा कि n by 2 फाइंड करके यू हैव टू सी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम, एंड अगर वो इसमें आता है तो वो आपका मीडियम क्लास होता है. सो इस तरह से आप मीडियम के एग्जांपल्स कर सकते हो. यहाँ पे पूरा मीन मीडियम मोड यहाँ पे हमारा पूरा रिवाइज हो गया है. फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो. पूरा चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स है, वो पूरा फॉर्मूला रिलेटेड चैप्टर है. पूरे मार्क्स आपका आने चाहिए, बहुत ही इजी चैप्टर है. यहाँ पे मैंने हो सके इतने टॉपिक्स कवर कर दिए है. यहाँ पे हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो खत्म होता है. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.